नमस्कार दोस्तों मैं आलोक सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एस के नए पोर्टल पर लेजर अपडेशन का कार्य जारी है पे मैनेजर से डेटा को एक्सेस करके लेजर को अपडेट किया जा रहा है इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिए गए थे आज इस पोर्टल पर आपका लेज़र 2017 से अब तक का अपडेट कर दिया गया है आप जाकर चेक कर सकते हैं और यदि अपडेटेड नहीं है तो 2017 से अब तक का जो लेज़र वहाँ प्रदर्शित हो रहा है उससे कुछ अंशों को आप भी अपडेट कर सकते हैं आइए हम इस वीडियो में ये जानकारी प्राप्त करते हैं जिस कर्मचारी का लेज़र अपडेट करना है या लेज़र अपडेट हुआ है वो अपना लेज़र कैसे देखेगा और कैसे चेक करेगा और यदि अपडेटेड नहीं है उसका कुछ पार्ट 2017 से अब तक का तो वो उसे अपडेट कैसे करेगा वो संपूर्ण प्रक्रिया हम इस वीडियो में जानेंगे चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कर्मचारी का लॉगिन आईडी पासवर्ड एस एस का डालकर कैप्चा कोड इंसर्ट करेंगे कैप्चा कोड इंसर्ट करके लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे और लॉगिन बटन को प्रेस करने के बाद आप कर्मचारी के एस एस लॉगिन के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे वहां आपको एस आई पी एफ़ का नया आइकन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपको एस आई पी एफ का नया डैशबोर्ड दिखाई देगा जिस पर आवश्यक सूचना में आप देख रहे हैं लाल अक्षर से दिखाई दे रहा है पे मैनेजर के सर्वर बी में स्थापित किए जाने का कार्य प्रगति पर होने के कारण से आप सभी प्रकार की एस की अग्रिम भुगतान की सेवाएं लंबित रहेंगी यानी आपको भुगतान प्राप्त नहीं होगा यदि आपने कोई लोन आवेदन कर रखा है और या कोई जीप क्लेम आवेदन कर रखा है तो वो कार्य अभी कुछ समय के लिए लंबित रखा गया है इस सूचना को हम क्लोज कर देते हैं क्लोज करने के बाद इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लेजर अपडेशन की क्रिया बताई थी तो उस समय मेरे खुद के लेजर में भी दो हजार से पूरी चीज़ें अपडेटेड नहीं थी और कुछ कर्मचारियों का तो 2019 से भी अपडेटेड नहीं था आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लेज़र अपडेट पर क्लिक करना है आपको यहाँ जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है नीचे लेजर अपडेट का इस ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑप्शन को 2017 देखिए 2016 जब सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड क्योंकि 2016 से पहले अधिकांश कर्मचारी पे मैनेजर पर नहीं थे जो कर्मचारी 2016 से पहले थे उनका हो सकता है यहाँ पर प्रदर्शित करें 2016 से पहले कोई भी कर्मचारी पे मैनेजर पर अधिकांश कर्मचारी पे मैनेजर पर नहीं थे जब से हम पे मैनेजर पाए हैं तब से अब तक का डाटा यहाँ पर अपडेटेड कर दिया गया है आप इसको चेक कर सकते हैं अब 2017 सत्रह सेलेक्ट करते हैं 2017 हजार सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस कर्मचारी का 2017 के चार डेटा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं अब यहाँ पर ऐसा ही इस कर्मचारी की कटती नहीं थी क्योंकि प्रोबेशन पीरियड चल रहा था लोन का कुछ था नहीं इंटरेस्ट कुछ था नहीं केवल एनपीएस की कटौती आप देखिए कि पूरी अपडेटेड हो चुकी है जो पहले प्रदर्शित नहीं हो रही थी आपको दिखाई दे रहा होगा एनपीएस की कटौती पूरी अपडेटेड हो चुकी है यहाँ पर और कोई कटौती नहीं थी क्योंकि ये प्रोबेशन में चल रहे थे यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और सेलेक्ट करते हैं 2018, अभी भी इस कर्मचारी का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है इसलिए केवल यहां पर एनपीएस की कटौती ही प्रदर्शित होगी अब यहां से प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद में देखिए एसआई SI का प्रीमियम भी यहां पर अपडेटेड हो चुका है आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ में एनपीएस की कटौती भी अपडेटेड हो चुकी है अभी अभी हाल ही में ये आदेश जारी हुआ था कि पे मैनेजर से सभी एनपीएस के लेज़र को और एसआई SI के लेजर को अपडेट किया जाए तो जो ऑनलाइन पोर्टल से कार्य होना था वो लगभग हो चुका है अधिकांश कर्मचारियों का हो चुका है वो अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो कोई भी आपको कॉलम ब्लैंक नहीं दिखाई देगा ये देखिए एस SI आई की सब कटौतियाँ आ चुकी हैं आप इनको काउंट कर सकते हैं बारह महीने की कटौतियाँ हैं ये सत्रह के बाद में अठारह के बाद में अब हम चलते हैं अगले महीने में उन्नीस में उन्नीस में भी इनकी सभी कटौतियाँ देखिए क्योंकि ये एन के कर्मचारी थे तो इनकी एस SI और एन की कटौतियाँ पूर्ण रूप से अपडेटेड हो चुकी हैं क्योंकि डेटा को मैनेजर से फीच कर लिया गया है फीच करके यहाँ पर आपके लेजर को अपडेट कर दिया गया है अब 20 में जब आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि कुछ और कटौतियाँ आई होंगी बीस के अंदर क्योंकि कोरोना पीरियड था तो उसमें कुछ और कटौतियाँ आ सकती हैं कर्मचारियों के ये देखिए एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आ गया एसआई SI का कंट्रीब्यूशन आ गया एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आ गया अभी और कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है क्योंकि इनके और कोई कटौती थी ही नहीं लेकिन 21 में आने के बाद आपको यहां पर कुछ कटौतियां दिखाई देंगी वो मैं आपको दिखाता हूं ये इनका एस SI का लेजर है ये इनका एन का लेजर है साथ में ये आपको दिखाई दे रही है डी जो कि जी में चला गया है ये यह यहाँ पर सी पी एफ़ कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है इसको नोट कीजिएगा एक बार आप सी पी एफ़ का कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है तेरह सौ सैंतालीस रुपये तेरह सौ सैंतालीस रुपये तेरह सौ सैंतालीस रुपये जबकि जी पी एफ वाले कॉलम में यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है ये अमाउंट जी पी एफ में जाना चाहिए था क्योंकि ये कोरोना काल में जो डी ए जमा हुआ है वो सब नए कर्मचारियों का जी पी में जमा होना जी पी एफ में जमा होना था जी पी एफ दो हज़ार चार के अंदर उसको हम कैसे अपडेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो तीन कटौतियाँ तो ये हैं जिनको हमें अपडेट करना है और इसी प्रकार से 22 में भी आप देखेंगे कि इनकी अभी कोई कटौती नहीं है एसआई SI का है और जीपीएफ एनपीएस की कटौती यहाँ पर बंद हो चुकी है क्योंकि वर्तमान में एनपीएस हटा दी गई है इसलिए एनपीएस की कटौती बंद हो गई है और इनका प्रीमियम जो तीन हजार था वो 5000 हज़ार हो गया है तो वो भी अपडेटेड हो चुका है अब मैं आपको ले चलता हूँ जीपीएफ के लेजर पर जीपीएफ 2004 के लेजर पर और जिन कर्मचारियों की जीपीएफ है वो जीपीएफ का लेज़र देख सकते हैं जिनका जीपीएफ 2004 है वो जीपीएफ 2004 देखें मैं इनका लेज़र दिखाता हूँ इनके लेजर में बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है कोई भी कटौती नहीं है बिल्कुल जीरो ज़ीरो आ रहा है अब हमें क्या करना है गो बैक गो बैक करके वापस जाना है एस SI, आई अपडेट लेजर पर अपडेट लेजर पर जाकर हमें वो फाइनेंशियल लेजर सेलेक्ट करने हैं जहां से जीपीएफ की कटौती होना प्रारंभ हो गई थी और उनमें कटौतियों का विवरण देखना है कि कुछ कटौतियां क्या जीपीएफ में हैं अथवा नहीं हैं तो मैंने 20 सेलेक्ट कर लिया दो हजार 2020 सेलेक्ट करने के बाद में आपको देखना है इन दो कॉलमों में एक तो सी कंट्रीब्यूशन में और एक जी में क्या इनमें कोई कटौतियाँ आई हैं नहीं हैं तब तो हमें कोई अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आई हैं तो उसे अपडेट करना आवश्यक है देखिए इनका ये कॉलम 2020 का बिल्कुल खाली पड़ा है यहाँ पर कोई कटौती इनके द्वारा नहीं करवाई गई है और इसके अलावा यदि हम किसी कटौती को अपडेट करना चाहेंगे तो वो अपडेट नहीं होगी इरर इन प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर क्योंकि ये ऑलरेडी अपडेटेड है लेजर में इसलिए जो चीज़ अपडेटेड नहीं है वही अपडेट होगी आप हर बटन को दबाएंगे तो अपडेट नहीं होगा अब हम 20 के बाद में 21 में चलते हैं 21 में जाकर आपको दिखाई देगा ये तीन कटौतियां हैं जो जिनको मैंने आपको बताया था और वहां पर जीपीएफ 2004 में कोई कटौती प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो हम इस बटन को जब प्रेस करेंगे तो देखिए वाउचर इंसर्टेड इन लेजर ओके दोबारा फिर दबाया इसको दूसरे को वाउचर ऑलरेडी एग्जिस्ट यानी इसको हम कर चुके हैं अपडेट फिर इसको दबाते हैं वाउचर इंसर्टेड इन लेजर और फिर इसको दबाते हैं तो वाउचर इंसर्टेड इन लेजर इस प्रकार आपको सभी कटौतियों को चेक कर लेना है जहाँ जहाँ जो कटौती अपडेटेड नहीं है वो अपडेट हो जाएगी इन बटन्स को दबाने से जहाँ इरर मैसेज आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी अपडेटेड है आपको उसके संदर्भ में कुछ भी नहीं करना है ये देखिए तो हम हर बटन को दबा के देख रहे हैं कहाँ से कौन सी कटौती लेजर में अपडेटेड नहीं है वाउचर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेजर ये आ गया क्योंकि अभी हमने इसको अपडेटेड किया था ये करने के बाद में 22 में भी हमने देखा कि इनकी ऐसी कोई कटौती नहीं जो अपडेट करनी है लेकिन जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहां इडर मेशर शो करेगा ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं इनका जीपीएफ 2004 का लेजर कि उस पर क्या इफेक्ट हुआ इसका ये देखिए पहले जीरो जीरो आया था और तीनों अमाउंट जुड़कर यहां पर यह प्रदर्शित हो गया ब्याज की राशि भी आ गई है तो ये 2017 से अब तक का सभी कर्मचारियों का पे मैनेजर से डेटा अपडेट कर दिया गया है आप चेक कर सकते हैं और जो अपडेटेड नहीं है उसको आप सबमिट बटन दबाकर अपडेट कर सकते हैं और इस प्रकार से यदि आप एस SI का लेजर यहाँ से चेक करेंगे तो आपको कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं दिखाई देगा चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज का बटन दबाया हमने और यहाँ पर जो एस SI आई का कॉलम है पहले वो दिखा देता हूँ फिर एन भी दिखाऊंगा आपको मैं एस SI आई के कॉलम में क्लिक एस SI आई ट्रांजेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो 2017 से अब तक का समस्त देखिए यहाँ पर 3000, 3000 इनकी कटौती थी यहाँ जीरो आ रहा है लेकिन अगले कॉलम में 6000 आ रहा है इसका मतलब 3000 इसका है और 3000 इसका है फिर यहाँ अगले में जीरो आ रहा है आगे जाकर फिर ये 6000 हो जा रहा है तो तीन को जब बारह से गुणा करेंगे तो टोटल छत्तीस हज़ार रुपये का अमाउंट यहां पर प्रदर्शित हो रहा है इसका मतलब हमारा लेजर क्या है सही है उन्नीस बीस में देखिए उन्नीस बीस में कोई भी जीरो नहीं है इसका मतलब छत्तीस हज़ार रुपये है बीस इक्कीस में भी देखिए आप इनको एक जगह खाली है लेकिन दूसरी जगह यहां पर छः हज़ार प्रदर्शित हो रहा है यानी जीपीएफ पी एस का पूरा लेज़र अपडेटेड है इसमें भी छत्तीस आ रहा है इसमें भी छत्तीस आ रहा है बाईस में की कटौती पाँच पाँच हज़ार रुपये हो गई थी तो आप देखिए यहाँ पर इनका दो महीनों का दिखा रहा है अप्रैल और मई का तो मई के भी सैलरी उठी नहीं है लेकिन एसआई लेजर में एक महीने आगे की कटौती प्रदर्शित करता है ऑटोमेटिकली तो यहाँ पर दस हज़ार रुपये प्रदर्शित कर रहा है इसके बाद में हम एनपीएस के लेजर, लेजर को भी चेक कर लेते हैं एक बार हम डैशबोर्ड पर चलते हैं डैशबोर्ड पर क्लोज बटन को दबाते हैं अब एन का लेज़र ये भी आपको देखिए आप सत्रह अठारह से जहाँ पर ये देखिए कोई भी ब्लैंक नहीं आएगा अगर जहाँ ब्लैंक है उसके आगे अगर जीरो है तो कोई ना कोई डबल या तिगुनी राशि जमा हुई हुई मिलेगी आप अपने जीए पचपन से इन कटौतियों का मिलान कर सकते और कटौती में कोई भिन्नता नहीं आएगी क्योंकि ये पे मैनेजर से डेटा को फीस करके अपडेटेड किया गया है तो इस जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ जय हिंद जय भारत